कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनने वाली जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेल में जिस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है और ऐसे में जो भी नए कैदी आ रहे हैं उनकी जांच करवाई जाए और साथ ही उनको दूसरे कैदियों से अलग शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जयपुर जेल से सबक लेते हुए दूसरी जेलों में मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए। कटारिया ने मांग की कि जेल में इतने लोग एक साथ पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में मुमकिन हो तो इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वो सबको इस बात के लिए सचेत करना है कि जेल में जो भी एंट्री दी जाए वो टेस्ट करने के बाद कंफर्म होने के बाद दें। कारण क्या कि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत कठिन होता है, सभी लोगों को मास्क हो ये भी बहुत कठिन है और इस कारण से अब जब कोई भी जेल में नई एंट्री हो तो इस बारे में बहुत विशेष ध्यान रख करके जेल में भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराए, मास्क का भी उपयोग करें और नई एंट्री दे उसके पहले ठीक प्रकार से उसका टेस्ट कराएं। इसके साथ ही मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि जब इतने लोग 119 लोग एक साथ आए हैं तो निश्चित रूप से इस जेल के पोर्शन को अलग से ही करना चाहिए ताकि उनका आपस में आना जाना या आपस में मिक्सिंग होना संभव हो।